أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون بار بلند است برادران عزیز پہلی محرم الحرام سے مسلسل آپ کے سامنے قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو سورہ مبارک مائدہ کی آٹھویں آیت ہے اور اس آیت کے مختلف جہات و جوانب پر اشارات کیے گئے مضمون آیت موضوع آیت عادل سے متعلق ہے اور اسی لیے ہمارا موضوع گفتگو عنوان بحث عادل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام ہے بار بار عرض کیا گیا کہ اسلام از اول تا آخر آیا ہی ہے اس لیے کہ انسان کو عادل و قسط کی دعوت دیں انسان عادلانہ معاشرہ قائم کر سکے انسان عادلانہ معاشرہ قائم کر سکے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس منزلت پر برقرار رہے جس منزلت پر اسے خالق متعال نے خلق فرمایا خالق متعال نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے قسم کھا کر جب پروردگار کوئی بات کہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے پروردگار کچھ بھی ارشاد فرمائے تو اہم ہے جائے کہ قسم کھا کے ارشاد فرمائے یہ بات تو اس نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تین کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے طور سینین کی قسم ہے بلد امین کی قسم ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا یہ احسن تقویم جس میں خلق کیا گیا ہے انسان اسی احسن تقویم کے معیار پر اسی سطح پر اسی سانچے میں
अगर उसकी ज़िंदगी ढली रहे, इसी सतह पर कायम रहे और आगे बढ़ती रहे, तो यह है मुआशरे आदिलाना। ये आदिलाना मुआशरा। और जहाँ इस अहसन तकवीम में खलल पड़ा, बस वहीं समझ लेना चाहिए कि जुल्म वजूद में आ गया। उस अहसन तकवीम निज़ाम अहसन में जहाँ खलल पड़ा, वहीं जुल्म वजूद में आ गया, वहीं खैर का दामन हाथ से छूट गया, वहीं शर वजूद में आ गया। इसीलिए कयाम आदिल के लिए जो फार्मूला तालीम दिया गया, अगरचे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जितने उसूल दीन हैं वो सब कयाम आदिल के लिए तालीम दिए गए, हत्ता कि असलुल उसूल तौहीद। मुसलसल अर्ज करता रहा हूँ कि परवरदिगार आलम मुहताज नहीं है इसका कि वो पहचाना भी जाए। ये बहस बिल्कुल अलग है, शायद एक नई बहस छिड़ जाएगी। परवरदिगार आलम मुहताज नहीं है इसका कि हम उसकी तौहीद का इकरार और एतराफ़ करें, हम इस बात के मुहताज हैं कि उसकी तौहीद का एतराफ़ करें। हमारे अल्लाह अकबर कहने से उसकी किबरियाई मोतबर नहीं होती, हमारे अल्लाह अकबर से कहने से हमारी इंसानियत मोतबर। तौहीद से लेकर नबुवत तक और नबुवत से लेकर आखिरत तक तमाम उसूल दीन इसलिए तालीम किए गए कि हम आदिलाना मुआशरा कायम करें। आदिल की तारीफ गुजारिश की गई, आदिल और अक्ल की नस्बत गुजारिश की गई कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली से जब पूछा गया कि आदिल क्या है, तो आपने फरमाया आदिल यह है कि जो चीज़ जिस जगह की उसको वहीं रखो, ये आदिल है। फरमाया कि आकिल किसे कहते हैं, अगर आकिल वो है कि जो हर काम को उसके सही वक्त पर और सही मकाम पर अंजाम देता है। पूछा गया फिर जाहिल कौन है, जहल क्या है, कहा तारीफ़ कर दी हमने जहल का। इस इरशाद मासूम की रोशनी में ये अंदाज़ा हुआ कि जो आदिलाना मुआशरा होगा वही आकिलाना मुआशरा होगा, जो आकिलाना मुआशरा होगा वही आदिलाना मुआशरा होगा। आदिल की तारीफ बड़ी हद तक वाज़े हो गई, आपने कबूल फरमा ली, और जिसके सामने भी ये मसला आप रखेंगे वो इसे रद्द नहीं करेगा, इसलिए कि हमने ये तारीफ अगरचे लिसान मासूम से अक्स की है लेकिन ये मतन फितरत में मौजूद है। ये तारीफ मतन फितरत में मौजूद है, इसी नस्बत से हमने फितरत पे भी गुफ्तगू की और गालिबन ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू कर ली। कई मजलिसों में ये बात आई कि फितरत क्या है, आया फितरत मबदा व मंशा जुल्म है या फितरत मबदा व मंशा आदिल है। फितरत खुद मेयार आदिल है, वो मंशा जुल्म कैसे हो सकती है। फितरत खुद मेयार आदिल है। और ये बात एक नुक्ते से वाज़े हो जाएगी जब हम गौर करेंगे कि आदिलाना मुआशरा बरपा करने के लिए, आदल कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए परवरदिगार आलम ने यूँ तो उसूल से लेकर फुरू तक और इबादात से लेकर मुआमलात तक सब कुछ हमें तालीम फरमाया, लेकिन एक ख़ास प्रोग्राम भी हमें तालीम फरमाया है। और वो ख़ास प्रोग्राम क्या है, कयाम आदिल के लिए, ताकि इंसान आदिल परवर रहे, आदिल शियार रहे, सितमगार ना हो जाए। ये जो प्रोग्राम परवरदिगार ने तालीम फरमाया है उस प्रोग्राम का नाम है अम्र बिल मारूफ। ये किस लिए सिखाया गया, किस लिए वाजिब करार दिया गया, ये इसलिए वाजिब करार दिया गया ताकि हम जालिमाना मुआशरा तख्लीक ना करें,
आदिलाना मुआशरा कायम रखें और जहाँ जुल्म देखें उसे रोकने की कोशिश करें। जहाँ देखें कि कोई फ़र्द या कोई घराना या कोई कौम या कोई मिल्लत आदिल से हटी हुई है वहाँ जाकर समझाएं कि यह आदिलाना बात नहीं है, अदल ये है, इंसाफ का तकाजा ये है। अगर दुनिया में ये प्रोग्राम ज़ेर अमल रहे, इंसान अमल करता रहे इस पर, तो यकीन जानिए कि यही मुआशरे इंसानी बहिश्ती मुआशरे का नमूना बन जाए। लेकिन हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को भी तर्क कर चुके हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है आज इस मिंबर पर, इस मकाम पर, यह आखिरी मजलिस है इस सिलसिले मजालिस की, इसलिए ज़रा से मतालिब और गुजारिश कर लूँ और आप इसे अपने हाफिजे में रख लीजिए। मारूफ को मारूफ कहते क्यों हैं, मुनकर को मुनकर कहते क्यों? ये लफ्ज़ मारूफ कहाँ से आया, लफ्ज़ मुनकर कहाँ से आया, किस कदर बलागत है ज़बान शरीयत में, इस्तिलाह साज़ी के मकाम पर भी किस कदर बलागतें पेश नज़र रखी गई। कुरान हकीम ने लफ्ज़ मारूफ़ व मुनकर इस्तेमाल किया, शरीयत ने कुरान मजीद से मारूफ़ व मुनकर की इस्तिलाहें ली हैं। ये मैं कई बरस कबल इस मेंबर से अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान मजीद फ़िक्ह की ज़बान में नहीं नाजिल हुआ है, फ़िक्ह ने अपनी ज़बान कुरान मजीद से अख्ज़ की है। कुरान मजीद फ़िक्ह की ज़बान में नहीं नाजिल हुआ, फ़िक्ह का इल्म बाद में डेवलप हुआ है। कुरान मजीद फितरत की ज़बान में नाजिल हुआ है, कुरान मजीद फितरत की ज़बान में नाजिल हुआ है। अब ये बहुत अहम जुमला है, इस पर गौर फरमाते रहिएगा, अगरचे बहुत सादा तरीक़े से अर्ज़ कर रहा हूँ लेकिन आपका आपकी ज़हानतें इसे कबूल फरमाएंगी और इस पर गौर करती रहेंगी। मारूफ़ ज़बान में, अदबियात में मारूफ़ किसे कहते हैं? आप कहते हैं फ़लाँ शख्सियत बहुत मारूफ है। हमारे ज़ेर मिंबर आज हमारे बरदर अज़ीज़ुल क़द्र जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सलमान नक़वी साहब तशरीफ़ फरमाएं, मैं कहूँगा ये एक बहुत ही मारूफ़ शख्सियत के हामिल। मारूफ़ शख्सियत की क्या मानी? मारूफ़ शख्सियत की मानी है कि ये जानी पहचानी शख्सियत है, लोग इन्हें देख कर फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये जनाब मौलाना सलमान नक़वी साहब हैं, मारूफ़ हैं और लोग मानूस भी हैं इनसे। इन्हें देख कर आँखों को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है कि एक नेक शख्स को देखा, एक आलिम शख्स को देखा, एक मुत्तकी शख्स को देखा। देखकर वहशत नहीं होती, देखकर उन्स पैदा होता है। दो चीज़ें, फितरत का तकाजा ये है कि जब भी जानी पहचानी चीज़ को देखती है फितरत तो मानूस हो जाती है, उन्स का एहसास होता है, वहशत नहीं होती। अनजानी चीज़ देख कर वहशत होती है, जानी पहचानी चीज़ देखकर वहशत नहीं होती। देखिए यहाँ नफसियाती गहराइयाँ भी हैं, मैं इल्म नफसियात की असलाहत इस्तेमाल नहीं करता, मैं बहुत सी असलाहत इस्तेमाल नहीं करता ताकि ज़बान बोझल ना हो, फिर भी लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मेरी ज़बान बहुत बोझल है। बहुत सी असलाहें इस्तेमाल नहीं करता, मतालिब गुजारिश करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये एक बड़ी नफसियाती बहस है कि जब आप कोई जानी पहचानी चीज़ या जानी पहचानी शख्सियत देखते हैं, जानी पहचान जाना पहचाना चेहरा देखते हैं, तो आपको उन्स पैदा हो जाता है, मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, आपके अंदर वहशत पैदा नहीं होती। लेकिन अगर अनजानी कोई चीज़ देख लें तो वहशत पैदा होती है। जानी पहचानी शख्सियत के लिए आप कहते हैं मारूफ शख्सियत, कोई मौजू हो आप कहते हैं ये बड़ा मारूफ मौजू है, बड़ा मारूफ उनवान है। अगर यही मारूफ ज़रा और मारूफ हो जाए तो मशहूर बन जाता है, और मशहूर अगर कम मशहूर हो तो मारूफ कहलाता है। तवज्जो रहे, यानी ये सब मैं किसी वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये देखिए कि अदबियात में इस्म की किस्मों में एक इस्म होता है जिसे इस्म मारिफा कहते हैं,
एक इस्म होता है जिसे इसमें नकेरा कहते हैं। नकेरा के नकेरा के क्यों कहते हैं? नकेरा को नकेरा इसलिए कहते हैं कि वो एक इस्म आम होता है, उसकी कोई खास पहचान नहीं होती, वो खास नहीं है, आम है। लेकिन मारिफा को मारिफा इसलिए कहते हैं कि वो जाना पहचाना हुआ है, वही मारूफ वाली सिफत उसमें मौजूद है, जाना पहचाना है। तवज्जो है बरकरार आपकी? जो चीजें मतन फितरत में मौजूद हैं और मतन शरीयत में मौजूद हैं, जो अमल, जो ख्याल, जो फिक्र, जो कदरें, जो कदरें, जो अमाल, जो अफकार, जो नजरियात मतन फितरत में, ह्यूमन नेचर में मौजूद हैं पहले से और लोहे महफूज में मौजूद हैं, मतन दीन में मौजूद हैं, मतन शरीयत में मौजूद हैं, उनको कहते हैं मारूफ। यानी वो जानी पहचानी शय अशिया हैं, जानी पहचानी हकीकतें हैं, वो मारूफ हैं, जिनसे फितरत इंसानी फितरी तौर पर आशना नहीं है, वो मुनकर कहलाती हैं। बुराइयां मुनकर हैं इसलिए कि फितरत में बुराइयां नहीं पाई जाती। नेकियां मारूफ कहलाती हैं इसलिए कि वो फितरत में पाई जाती हैं। आदल मारूफ है, जुल्म मुनकर है। आदल मारूफ इसलिए है कि फितरत उससे आशना है, जुल्म मुनकर इसलिए है कि फितरत उससे आशना नहीं है। अमर बिल मारूफ यानी वो काम करो जिससे तुम्हारी फितरत आशना है। नहीं अनिल मुनकर यानी वो काम क्यों करते हो जो तुम्हारी फितरत में नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। इस मतलब को जहन में रखिएगा और फिर जितनी नेकियां हैं उन सब को देखिए, सोचिए, जाकर घर पे सोचिए, रात में सोचिए, तकिए पे सर रख के सोचते रहिएगा, जितनी नेकियां हैं, जितने अकदार हैं उन सब के बारे में सोचिएगा। जब आप किसी से कहते हैं सच बोलो, सच फितरत आशना सच से है, फितरत झूठ से आशना नहीं है। अगर कोई झूठ बोलता है, सच जब बोलता है तो बोलने वाले के चेहरे पे इत्मीनान होता है, शख्सियत में सुकून होता है, कल्ब में इत्मीनान होता है। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है तो उसका चेहरा बोलने लगता है कि फितरत के खिलाफ कुछ हो रहा है। और रफा के पास मीज़ान क्या होता है? मीज़ान औरफा, औरफा के लिए मशहूर है कि औरफा चश्मे बातिन भी रखते हैं, किसी को देख लेते हैं बता देते हैं तुम बातहारत हो या बेतहारत हो, किसी को किसी की बात सुन ले आँख बंद करके भी सुन लेते हैं, कह देते हैं ये सच है या झूठ है। कोई शख्स जो गुजारिश देता है, जो रुदात सुनाता है, जो रिपोर्ट देता है, जो बयान देता है, वो सुनते हैं एक बार और कह देते हैं कि ये झूठ है या सच है, या इसमें कितना झूठ है कितना सच है। ये उरफा के पास क्या है? वाह वाह, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स के मानी क्या है? तज़किया के क्या मानी है? पाक करना, साफ करना, आईने पर गुबार न बैठने दें, ये तज़किया है। आईने में कोई सूरत तभी नजर आएगी जब उस पर गुबार ना हो। आईने पे गुबार होगा तो कोई सामने की सूरत भी नजर नहीं आएगी। आईने को साफ रखें,
पाक रखें, उसमें गुबार उसके ऊपर न बैठने दें। अगर आईना साफ रहेगा तो उसके सामने जो सूरत जैसी होगी वैसी नजर आ जाएगी। आईना झूठ नहीं बोलता। तज़किए नफ्स के नतीजे में कल्ब आरिफ आईना होता है। जो सामने आ गया जैसा है वैसा नजर आने लगता है, ये कल्ब आरिफ है। कल्ब आरिफ ये होता है। ये और बात है कि वो हमेशा इजहार ना करे। वो देख रहा है कि आने वाला दरिंदा है, भेड़िया है, मगर इंसानी शक्ल में आया है, कभी खामोश रहता है। हमेशा नहीं ऐलान किया जाता, हमेशा इजहार नहीं किया जाता। देखता है कि कौन शख्स क्या है, मगर इजहार नहीं करता। कैसे देखता है? इन आंखों से नहीं देखता है। कल्ब उसने आईना कर रखा है। तज़किया नफ्स के मानी है कल्ब आईना कर रखा है। कल्ब आईना कर रखा है के मानी क्या है? मानी ये है कि उसने जिंदगी में गैर फितरी अनासिर को जगह नहीं दी। फितरत सलीमा पे कायम रहा, फितरत इलाहिया पे कायम रहा, फितरत तौहीद पर कायम रहा। यही मानी है तज़किया नफ्स के, इसके अलावा कुछ नहीं है। तज़किया नफ्स इसके अलावा कुछ नहीं है कि आईने कल्ब को पाक रखा जाए। तवज्जो है। जब पाक रहेगा तो जो चीज सामने आएगी, आईने कल्ब मुराद क्या है आईने कल्ब से? शायद कोई बच्चा भी ये ना समझे कि मौलाना ये कह रहे हैं कि सीने के अंदर एक शीशा होता है। आईने कल्ब यानी वही आपकी फितरत, फितरत अव्वलिया। ये फितरत अगर साफ रहे, पाक रहे, अहसन तकवीम पर गामजन रहे, अहसन तकवीम के मकाम पर, उसकी सतह पर कायम रहे, जो उसके मुकाबले में आएगा वो देख लेगी। जो चीज़ जिस चीज़ से तबीयत, फितरत, फितरत, तबीयत का लफ्ज़ कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, वो अच्छी बात नहीं है। हमेशा तबीयत ख़राब हुआ करती है। ये तो ज़बान का मसला है। कोई लखनऊ का अहले ज़बान आपको मिल जाए, वाकई जो अपनी ज़बान को महफूज रखे हुए हो, आप उसे कहें कि कहिए मिजाज कैसा है, तो मुस्कुरा के जवाब देगा। अगर आपने पूछ लिया कहिए तबीयत कैसी है, तो वो कहेगा ख़राब कब थी जो अच्छी कहूँ या बुरी कहूँ। तबीयत ख़राब हुआ करती है, तबीयत ठीक हुआ करती है, मिजाज पूछा जाता है। ये और बात है कि कभी कभी मिजाज पूछने वाले भी अजब मिजाज पूछ लेते हैं, ये अलग बहस है, ये अलग बहस है। लेकिन तबीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिए। इल्मी एतबार से तबीयत का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता है बस वहीं तक रखिए। असल चीज़ है फितरत। फितरत जिन चीज़ों से आशना है वो है मारूफ, फितरत जिन चीज़ों से आशना नहीं है वो है मुनकर। अमर बिल मारूफ यानी उन चीज़ों का हुक्म करो कि जो तबीयत तुम्हारी फितरत आशना है उससे, तुम्हारा कल्ब आशना है, तुम्हारा जहन आशना है, तुम्हारा ज़मीर आशना है, तुम्हारी खिलकत आशना है पहले से। मुनकर से मना करो यानी उन चीज़ों से मना करो कि जिससे तुम्हारी खुद फितरत, तुम्हारा ज़मीर आशना नहीं। तवज्जो है। इस अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को लोग अजब अजब अंदाज से समझते हैं, अजब अजब अंदाज से बरतते हैं। आजकल तो नऊज़ु बिल्लाह कभी कभी फितना परदाज़ियाँ होती हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के उन्वान से, नऊज़ु बिल्लाह। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे हज़रत अल्लामा जमील मज़हरी ने अजीब गरीब शेर फरमाया है, परवरदिगार उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, कभी कभी दो मिसरों में उतनी बातें कह जाता है शायर जो शायद घंटों की तकरीर में ख़तीब नहीं कह सकता और सैकड़ों सफ़े में कोई अदीब नहीं लिख सकता। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि सती जकार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहवी, सती जकार रहा है अजल से ता इमरोज। हमेशा से गोया खैर व शर की जंग जारी है, हमेशा से मारूफ व मुनकर की जंग जारी है। सती जकार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहवी। चराग मुस्तफ़वी क्या है? मारूफ की अलामत। शरार बूलहवी क्या है? मुनकर की अलामत है। ये तो एक मंजिल है, ये एक मंजिल है जहाँ
चराग-ए-मुस्तफ़वी चराग-ए-मुस्तफ़वी रहे और शरार-ए-बूलहबी शरार-ए-बूलहबी रहे। तवज्जो है, तारीख इससे आगे बढ़ी और मसाइल पेचीदा तर होते गए। हज़रत अल्लामा जमील मज़हरी को कहना पड़ा कि किसे खबर थी कि लेकर चराग-ए-मुस्तफ़वी, किसे खबर थी कि लेकर चराग-ए-मुस्तफ़वी जहां में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। किसे खबर थी, ये चराग मुस्तफ़वी और शरार बुलहवी इस्तेआरा नया नहीं है। अल्लामा इक़बाल से पहले हाफिज़ शिराज़ी ने भी अपनी गज़ल में बताया, अपनी शायरी में बताया, चराग बुलहवी चराग मुस्तफ़वी शरार बुलहवी हाफिज़ से चला है, लेकिन इकबाल ने उसे नई जहत दी और अल्लामा जमील मज़हरी ने एक और नई जहत दी जो हकीकी कैफियत है इस वक्त। किसे खबर थी, कितनी बातें मैं अगर मैं खोल कर नसर में कहूँ तो आपको बुरा मालूम होगा, लेकिन ये शेर है जो आप तारीफ करके सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख है। किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफ़वी जहां में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब सूरत हाल ये हो जाए तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और कितना मुश्किल हो जाए। सब्र सुकून से आप समाज फरमा रहे हैं तो मुझे एक हदीस की तरफ इशारा कर देने दीजिए और अंदाज़ा होगा आपको कि कितनी संगीन सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में इस मौजू से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया अगर इस रुख पे चली गई है तो हम आदल पर गुफ्तगू क्यों करें, हम आदल के कायम करने की कोशिश क्यों करें, नहीं ये नहीं कहा जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब व गरीब हदीस है, पूरी मतन हदीस पूरा मतन हदीस मैं अभी नकल नहीं करूँगा, मज़मून हदीस खुलासे के तौर पर अर्ज़ करूँगा। एक मरतबा सरकार रिसालत पनाह ने अपने असहाब के दरमियान कहा कि क्या होगा तुम्हारा उस वक्त हाल, तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुम अमर बिल मारूफ छोड़ दोगे, नहीं अनिल मुनकर तर्क कर दोगे और तुम्हारे मुआशरे में फितने पैदा होंगे। तो सब ने ताज्जुब से कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये वक्त भी आएगा, क्या ये वक्त भी आएगा कि हम अमर बिल मारूफ छोड़ देंगे। सदर इस्लाम की तारीख अगर आप पढ़ें, सदर इस्लाम से मुराद ख़ास तौर पे वो तारीख जो वजूद मुबारक पैगंबर के ज़माने की तारीख। उस ज़माने में मुसलमानों के अंदर जो जुरअत थी, जो हिम्मत थी, जो हौसला था, जो शजाअत थी, जो बसीरत थी, उसके मुताबिक जो अमल करते थे, बेझिझक एक दूसरे को टोक देते थे, अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दिला देते थे, बुरी बातों से मना कर देते थे और आम तौर पर लोग इसे बुरा नहीं मानते थे बल्कि शुक्रिया अदा करते थे, एक सालेह मुआशरा कायम हो गया था। इसी अंदाज वो मुआशरा ताज्जुब करने लगा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि हम मारूफ छोड़ देंगे, नहीं अनिल मुनकर तर्क कर देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इससे भी बदतर, इससे भी बदतर वक्त आएगा। कहा वो क्या या रसूल अल्लाह, कहा न सिर्फ ये कि तुम अमर बिल मारूफ छोड़ दोगे और नहीं अनिल मुनकर तर्क कर दोगे, बल्कि जब कोई अमर बिल मारूफ करेगा तो बुरा मानोगे, जब कोई नहीं अनिल मुनकर करेगा तो बुरा मानोगे। कहा या रसूल्लाह, क्या ये वक्त भी आ जाएगा, कहा इससे भी बदतर। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम अमर बिल मारूफ के बजाय अमर बिल मुनकर करोगे और नहीं अनिल मुनकर के बजाय
नहीं अनिल मारूफ करोगे, अच्छाइयों से रोकोगे, बुराइयों का हुक्म दोगे। या रसूल अल्लाह क्या ये वक्त भी आएगा? और हुजूर ने फरमाया इससे भी बदतर वक्त ये आएगा कि तुम मारूफ को मुनकर करार दोगे, मुनकर को मारूफ, डिफिनीशन तब्दील हो जाएगी, तारीफ बदल जाएगी। अपने सियाक व सबाक के साथ ये रिवायत बहुत गौर तलब है। आप गौर फरमाइए कि इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, कोई भी मौजू, कोई भी उनवान बहस, कोई भी रिसर्च का मौजू अगर ज़िंदगी से रिलेवेंट रहना है, उसकी मानवियत को बरकरार रहना है, तो देखना होगा कि किस ज़माने में, किस मकान में, किस फ़ज़ा में बहस हो रही है। इस वक्त लोगों का ज़हनी उफ़ुक क्या है, इस वक्त दुनिया भर के लोगों के तसव्वुरात क्या हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से अमल कर रहे हैं, फिक्र क्या है, तहजीब क्या है, अमल क्या है, निज़ाम क्या है। आप इन तमाम चीज़ों को सामने रख अगर देखेंगे तो आज अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की यही कैफियत हो गई। आम गुफ्तगू है, इसे खास एक मखसूस सतह पर महदूद ना कर दीजिएगा। आम गुफ्तगू पूरे मुआशरे इंसानी की गुफ्तगू। आज मसला यही है कि कोई मारूफ को मारूफ नहीं समझता, मुनकर समझता है, मुनकर को मारूफ समझा जाता है। छोटी सी मिसाल दूंगा, जो मिसाल यहाँ मिंबर पे जेब देती है, वरना मिसालें तो बहुत हैं। अगर ख्वातीन के सरों का खुला होना किसी जमाने में मुनकर था, सर का ढकना मारूफ था। आज आप जरा किसी को कह के तो देख लीजिए, किसी को कह के तो देख लीजिए, मारूफ और मुनकर कैसा बदल गया। यहाँ से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, किसी से कहिए कि सर ढाक लीजिए, तो इस कहरालूद निगाह से आपको देखेंगी कि आप, मालूम होता है कि कबले तारीख से ताल्लुक है आपको। अरे माशरा इंसानी तरक्की पा चुका है, आज हम तालीम याफ्ता हैं, तरक्की याफ्ता हैं। सर ढकना गैर तालीम याफ्ता लोगों का काम है, तारीफ याफ्ता लोगों का थोड़ी काम है। एक मिसाल दी है, एक मिसाल दी, हाना के तवज्जो रहे, एक जुमला अर्ज़ है, हाना के अपने जिस्म को और अपने महासिन को छुपाना औरत की फितरत में चैलेंज कर रहा है, चाहे वो मगरिब की कोई खातून हो या मशरिक की कोई खातून, फितरत में है कि औरत अपने जिस्म को और अपने महासिन को छिपाए। शरीयत ने उस चीज की सिर्फ ताईद की है जो उसकी फितरत में मौजूद है, फितरत में। अब मैं वाकयात नकल नहीं करूंगा, ना दामन वक्त में गुंजाइश है और ना इस गुफ्तगू के ढांचे में और सांचे में मिसालों को पेश, अमली मिसालों को पेश करने का मौका और महल होता है। मैंने तजरबे किए हैं, मैंने गुफ्तगुएं की हैं, मैं इन सोहबतों से गुजरा हूं जहां मैंने तवज्जो दिला दी है सवाल करने वालों से कि आप बताइए ये चीज आपकी फितरत में है या नहीं है, और सर झुका के तस्लीम करना पड़ा कि हाँ ये तो फितरत में है। लेकिन दौर आम तौर पर यही है कि मारूफ मुनकर हो चुका है, मुनकर मारूफ। जब सूरत हाल ये हो तो फिर अदल इज्तिमाई का मफहूम ही मुभम हो जाएगा और उसके तकाजे बदल के रह जाएंगे। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास कर। अब जरा खुल के मिसाल दे दूंगा तो सियासत मदाराने वक्त की जमीन पे शिकन पड़ जाएगी। दुनिया में आदिल के नाम पे जुल्म हो रहा है और जुल्म के नाम पे आदिल हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? बड़े पैमाने पे हो रहा है, छोटे पैमाने पे नहीं हो रहा है। मंसूबा बंद तरीके से जुल्म हो रहा है आदिल के उनवान से, मंसूबा बंद तरीके से इस्तेहसाल हो रहा है इमदाद के नाम पर।
देखिएगा, जो शख्स भी, जो फर्द भी, जो मुतनफिस भी, जहां भी निजाम जुल्म में शरीक है, उसका मुहासबा होकर रहेगा। दुनिया की निगाहों से बच के निकल जाएंगे आप। वो जो उसने ऐलान किया है, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह खबर रखता है पूरी पूरी हर उस आबाद की जो तुम अमल करते हो। ये 8-9 दिन जो है इस मौजू पे गुफ्तगू की है, ये इसलिए गुफ्तगू की है ताकि हम जिस हद तक भी मुमकिन हो जुल्म से दामन बचाकर आदल की तरफ आ जाए। जितना भी अगर हम देखिए, एक बात अर्ज करूं, मैं अपने बाज़ मुखलिस दोस्तों से जब वो तन्हाई में मिलते हैं और अपनी परेशानियां जाहिर करते हैं कि मौलाना हमें यह परेशानी है, घरेलू परेशानी है, मादी परेशानी है, या इक्तसादी परेशानी है, सियासी परेशानी, जो कुछ भी फरमाते हैं, मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ कि आप अगर अपने अल्लाह का इतना सा भी ख्याल करेंगे तो अल्लाह आपका इतना ख्याल करेगा। अगर आप अपने अल्लाह पे जरा सा भी भरोसा करेंगे तो अल्लाह, अब ये हमारी देहाती जबान है, अल्लाह पर आप जरा सा भरोसा करेंगे तो आपका बहुत सा ख्याल रखेगा। ये सच है, ये हकीकत है, ये सच है, ये हकीकत है। अगर आप जरा सा आदिलाना रवैया जिंदगी में बरतेंगे, कुमक उधर से शामिल हाल होगी, मदद उधर से शामिल हाल होगी। इसलिए आदिल की कोशिश करें। ये आदिल, देखिए कोई भी फेल जब वजूद में आता है तो उसके गिर्द एक हाला बनता चला जाता है। बड़े से समंदर में एक छोटी सी कंकरी फेंक दिया, एक छोटी सी कंकरी, वो जब कंकरी सतह आप पे पहुंचेगी तो एक लहर का दायरा बनेगा, वो वहीं खत्म नहीं हो जाएगा, वो लहर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती, जितनी दूर भी उसका दूसरा किनारा हो, वो लहर जो एक छोटी सी कंकरी डालने से पैदा हुई है, वो इस किनारे से लेकर उस किनारे तक पूरे सतह समंदर का इहाता जरूर कर लेगी। तवज्जो है, जो भी वजूद में आएगा फेल, उसके असरात मुरतब होंगे। तवज्जो रहे, दुनिया से न खौफ कीजिए, आखिरत का ख्याल कीजिए। दुनिया डरने की चीज नहीं है, दुनिया तो अपने कदमों से रौंदने की चीज है। दुनिया डरने की चीज नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है, आपकी कमजोरी दुनिया की ताकत बन जाती है। दुनिया के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, आपने अपनी कमजोरी जाहिर की, दुनिया शेर हो गई। और फरमा रहे हैं कोई ताकत नहीं है दुनिया के पास, जो ताकत एक नेक इंसान के पास होती है, जो ताकत एक मासूम किरदार के पास होती है, वो ताकत खताकार के पास नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं। इसलिए अपनी अजमत इंसानी को, अपनी शराफत इंसानी को, अपने शरफ इंसानी को, अपनी करामत इंसानी को, अपने जाहो जलाल इंसानी को महफूज रखिए। बज में वो हजरात हैं, मैं नाम लेकर गुजारिश नहीं करना चाहता, कई मरतबा नाम ले चुका हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ ये सियासत में है, ये कानून में है, मगर इन्होंने कभी हक का उसूलों का सौदा नहीं किया। खुदा इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी शख्स जिस कुर्सी पे भी बैठा हुआ है, अगर किसी ने रिश्वत लेकर कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी दस्तखत फरमा दी, एक दस्तखत, चंद हरूफ, चंद लकीरें, ये कुछ वजूद में तो लाया, आपने किसी बैंक की तिजोरी नहीं तोड़ी,
आपने कहीं चोरी नहीं की, आपने कहीं जुल्म नहीं किया, आपने कहीं डाका नहीं डाला आम जबान में, आपने किसी का कत्ल नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, अपने मेज पे बैठे हुए, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, अपने दफ्तर में बैठे हुए बड़े आराम से, या घर जाकर अपनी ख्वाबगाह में खामोशी से बड़ी लाइट ना जलाकर शब ख्वाब में, चूंकि मेज के ऊपर कुछ नहीं लिया था, मेज के नीचे लिया था, तो शब ख्वाब में बैठकर कोई नहीं देख रहा था, आपने एक छोटा सा निशान बना दिया, एक खत, एक दस्तखत। ये चीज आप वजूद में लाए, ये समंदर में वजूद के कंकरी डाल दी, इसकी लहरें और मौजें आपके कदमों की जंजीर बन के रहेंगी। बेफिक्र ना रहें, आपके कदमों की जंजीर क्या है, वो मौजें जो उस कंकरी से पैदा हुई थी, जो आपने डाली थी, किसी और ने नहीं। तवज्जो है, ये जिंदगी की सच्चाई है, अफसाना नहीं सुना रहा हूं, ये जिंदगी की सच्चाई है। इस मेयार पर, इस मीजान पर हर फर्द सोचे, कहीं कोई एक लिखा नहीं कह दिया एक लफ्ज़, एक लफ्ज बातिल की हिमायत में कह दिया, एक लफ्ज हक के खिलाफ कह दिया, या एक लफ्ज मुखालिफ हक कह दिया, या एक लफ्ज मुआफिक बातिल कह दिया। ये एक लफ्ज, एक लफ्ज, ये एक बड़ा पत्थर है जो उछाला है आपने फजाए जिंदगी में, ये कहीं और नहीं गिरेगा, ये पूरे फजाए हयात को मुकद्दर करेगा, करके गिरेगा आप ही के ऊपर। ये जो पत्थर आपने उछाला है मुकद्दर करेगा पूरी फजा को, मगर गिरेगा आपके ऊपर। ये ना सोचिए कि आपका उछाला हुआ पत्थर किसी और पर गिरेगा और आप सही और सालिम रह जाएंगे, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। बस ज्यादा मिसालें नहीं दे सकता, ये दो मिसालें काफी है, एक लफ्ज लिख दिया या एक लफ्ज बोल दिया, जहां लफ्ज लफ्ज का हिसाब हो। इसीलिए कुरान मजीद ने अपने मंशूर हक को अदल और इंसाफ में कहा, वइजा कुलतुम फअदलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, और अगर तुम कुछ कहो तब भी अदल करो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कुरान की आयत है, फअदलू फअदलू, ये एदलू का लफ्ज याद है ना, इसी आयत में जो मैं रोजाना पढ़ रहा हूँ, एदलू हु अक़रबु लित्तक़्वा, आदल करो वो तकवा से नजदीक है। वाज़े है, यहाँ क्या है, वइज़ा कुलतुम, और अगर तुमने कहा, एक लफ्ज, एक लफ्ज अगर कहा, वइज़ा कुलतुम कुरान, फअदलू आदल करो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तवज्जो है, ये हम जिंदगी में बरतते हैं या नहीं, और चूंकि हम अपनी जिंदगी में नहीं बरतते, बस एक जुमला कहूंगा, जब इंसान का आईना मुकद्दर हो जाता है तो वो जैसी अपनी सूरत बना लेता है, जैसी अपनी सीरत बना लेता है, वैसे ही दूसरे की सूरत को समझता है, वैसे ही दूसरे की सीरत को समझता है। अगर हम हक शियार हैं तो दूसरे को भी पहली नजर में हक शियार समझेंगे, जब तक कि उसकी बातिल शियार ही सामने ना आ जाए। अगर हमने बातिल शियारी इख्तियार कर ली है तो दूसरे को भी सबसे पहले बातिल परस्त बातिल शियार समझेंगे, चाहे उसको हक शियार ही क्यों ना हो। और इंसान की यह फितरत वो है कि जो मखलूकात को क्या खुदा को भी नहीं छोड़ती, इंसान खुदा के हक में भी बदजनी और बदगुमानी करता है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा है कि मेरे बंदों से कह दो कि हम उनके जुनून से नजदीक तर हैं, वो जैसा हमारे बारे में जन रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हमें पाएंगे। तवज्जो है, बस
मंजिल के करीब गुफ्तगू को लाने के लिए एक गुरेज कर रहा हूं यहां से। जैसा इंसान होगा वैसा ही दूसरे को समझेगा। ये उसूल यूं ही नहीं है, हकीकत है। आईना मुकद्दर हो जाएगा तो फिर यही नतीजा होगा। और इसीलिए चूंकि मुसलमानों में नस्ल परस्ती, खानदान परस्ती, कबीला परस्ती, जर परस्ती, जन परस्ती और खुदा मालूम बातिल परस्ती की कितनी शक्लें पैदा हो गईं, हक परस्ती से दूर होते चले गए। इसलिए नतीजा ये हुआ नऊज़ु बिल्लाह कि वो रसूलुल्लाह के इरशादात को भी उस मेयार पे परखने लगे जैसा उनका नफ्स था। वो रसूल जिसकी ज़बान मुबारक से कुरान नाजिल हुआ और जिसने कहा वइज़ा कुल्तुम फअदलू, अगर तुम कुछ कहो तब भी आदिल करो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, चाहे वो तुम्हारा अजीज ही क्यों ना हो। वो अगर अपने किसी अजीज के लिए कुछ कहेगा तो आदिलाना मेयार पर कहेगा। नहीं कहेगा। रसूल अगर किसी को कुछ कहेगा, चाहे वो भाई को कहे, चाहे दामाद को कहे, चाहे वो चचा के लिए कहे, चाहे वो चची के लिए कहे, चाहे वो फूफी के लिए कहे, चाहे वो नवासों के लिए कहे, चाहे वो बेटी के लिए कहे। अब ये रसूल कह चुका है वइज़ा कुल्तुम फअदलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, तुम जब कुछ कहो तो अदालत से कहो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि रसूल के रिश्तेदारों में कोई हक पर न हो और रसूल उसे हक पर बताए। मैं एक जुमला अर्ज कर दूं, तवज्जो रखिएगा। इस्मत खुदा और इस्मत रसूल को सामने रखने के लिए एक मिसाल काफी है, एक मिसाल काफी है। अलबत्ता बड़ा हौसला चाहिए इस मिसाल को समझने के लिए। इस्लाम को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, अबू लहब ने या अबू सुफियान ने? अबू लहब रसूल के चचा, रसूल का चचा है। जितनी जंगे हुई हैं, जितनी जंगे हुई हैं, उन तमाम जंगों में सरबराही किसने की? अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जंगों में सरबराही की और बद्र से लेकर अहजाब तक, फतह मक्का तक, फतह मक्का तक मजबूरन आखिर में इस्लाम को इख्तियार किया। इस्लाम की नकाब डाली है जान बचाने के लिए। इस्लाम की नकाब डालिए जान बचाने के लिए। और उसके बाद नस्ले अबू सुफियान, देख लीजिए करबला तक का वाकया और करबला के बाद तक तारीख दयानतदारी से पढ़िए। मगर अल्लाह और अल्लाह के अल्लाह ने अपने रसूल की जबान से क्या सूरह लहब नाजिल किया है? क्यों? وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, जब तुम कुछ कहो तो अदालत से कहो, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो। अब अगर अबू लहब बुरा है, शकी है, मलऊन है, जहन्नमी है, तो रसूल ने कहा अबू लहब जहन्नमी है, और अगर अबू तालिब बहिश्ती है। ज़बान मुबारक पैगंबर पर अबू तालिब की हम्द व सना है, अबू तालिब की तारीफ है, सना है, हुस्न सना है, अबू तालिब की लिए शुक्रगुजारी है। आखिरी वक्त तक हजरत अबू तालिब को याद करते थे और आंखों में आंसू आ जाते थे। जब हुजूर ने दुआ फरमाई किसी मौके पर और खुश्क साली में बारिश होने लगी तो कि लोगों ने आकर खुशी का इजहार किया, रसूल की आंखों में आंसू आ गए, कहा काश आज मेरे चचा अबू तालिब होते तो वो खुश होते। बाद में मौजज़ात पैगंबर लोगों ने नकल किए हैं, सबसे पहले रावी मौजज़ात पैगंबर तो अबू तालिब हैं।
सबसे पहले मुसद्दिक नबुव्वत पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू तालिब हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में कहत साली हुई, लोग जाबलब हो गए, जमीनें खुश्क हो गईं, जानवर मरने लगे, ज़राअत नाबूद हो गई, हर तरह से पूरा मुआशरा वहाँ का परेशान हो गया। कहाँ आए सिमट के, कहाँ आए लोग, कहाँ आए? फितरत इंसानी में तवस्सुल है, फितरत इंसानी में तवस्सुल है, और फितरत ये बताती है कि तवस्सुल जिसका जी चाहे वसीला नहीं बना लिया जाता। जहाँ तक्वा होता है, जहाँ खुदा शारी होती है, खुदा शनासी होती है, खुदा परस्ती होती है, वहाँ उसी देहड़ी पे लोग आते हैं, किसी और दर पे क्यों नहीं चले गए? बहुत तारीखों में लिखा हुआ है कि जमाने जाहिलियत में फलां का खानदान बड़ा अच्छा खानदान था, तो उस दरवाजे पे क्यों नहीं गया मजमा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे सब सिमट के आ गए, मक्के वाले भी, अतराफ मक्का से भी, दूर और नजदीक के सब लोग आ गए। आप दुआ कर दीजिए तो बारिश हो जाए। लोगों को अभी खबर नहीं है कि यहाँ कौन पैदा हो चुका है। दुर्र यतीम अब्दुल्लाह खातमुन नबीयीन रहमतुन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा हो चुके हैं, लोगों को खबर नहीं है, सबको इत्तला नहीं है, जिसे है वरना ज़ाहिर है मक्के के बाहर के लोगों को खबर नहीं कि पैदा हो चुके हैं। ये आए किसके दरवाजे पर? अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे। जानता था अरब मुआशरा कि हमारे और खुदा के दरमियान कोई वसीला बन सकते हैं तो ये बन सकते हैं। जिसके आबा व अजदाद वसीला बने हों, खुद उसकी ज़ात गिरामी वसीला कैसे नहीं बन सकते? मुहम्मद अरबी के वसीला होने में किसे शक व शुबा हो सकता है? मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुलंदर सलवात। वसीला है हमारे और खुदा के दरमियान, खुदा की बात हम तक पहुंचाते हैं, हमारी बात खुदा तक पहुंचाते हैं। इन्हीं के कदम से, इन्हीं के दस्त करम से, इन्हीं के दामन फैज़ से हम तक फ्यूज़ इलाहिया पहुँचता है। अल्लाह का फैज़ हम तक पहुंचता है तो इन्हीं के वास्ते से, इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। यह आलम बरकरार है तो बतसद्दुक मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में आए सब, और आने के बाद कहा कि आप हालात देख रहे हैं, अब हम हलाक हो जाएंगे। आपने क्या किया? घर में एक बच्चा था छोटा सा, उसे साथ लिया। रावी कौन है? अबू तालिब, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। वो रिवायत फरमाते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फर्जंद अब्दुल्लाह को साथ लिया और लेकर कहाँ आए? खाने काबा के पास। खाने काबा की दीवार से कुश लगाई और हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार इस चेहरे का वास्ता, परवरदिगार इस बच्चे का वास्ता, वास्ता देकर दुआ फरमाई। अभी दुआ तमाम नहीं हुई थी कि अब्र रहमत ने साया कर लिया, बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो मौजज़ा है जो जनाब अबू तालिब ने नकल फरमाया है और इसे अपने कसीदे में नकल फरमाया है। वह अब यस्तस्कल गमामु बिवजह ही शिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली वल्लामिया हज़रत अबू तालिब, के जो सब मुअल्लक़ात से भी बरतर कसीदा है, उसमें फरमाते हैं कि वो आफ्ताब चेहरा जिसके सदक़े से बारहान रहमत तलब किया जाता है, और जो यतीमों का सरपरस्त और बेवाओं का मुनिस व गमखार है। ये शेर हमेशा पैगंबर याद रखते थे और लोगों से फरमाइश करते थे कि मुझे शेर अबू तालिब सुनाओ।
کیا رسول کسی مشرک کا شعر سننا پسند کریں گے؟ نعوذ باللہ, یہ سب تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اس قسم کے جملے کہتا ہوں میں تو میری فضا دہن مقدر ہو جاتی ہے. میں نے جو حضرات مسلسل ایمان حضرت ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں, میں نے ایک جملہ بہت پہلے لکھنؤ میں امام بارگاہ غفران مآب میں کہا تھا کہ ممبر پر ایمان حضرت ابو طالب کو زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں. ایمان تو ان کا زیر بحث لایا جائے جو ان کی ولایت کے قائل نہ ہو. بہرحال بات یہاں تک آ گئی, بات صرف اتنی تھی کہ انسان جب کچھ کہے تو عدالت سے کہے, یہ نہ دیکھے کہ رشتہ دار کے لیے کہہ رہا ہے یا غیر کے لیے کہہ رہا ہے. یہ معیار قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, عدل کا معیار, عدالت کا معیار زبان پیغمبر سے. تو جب خود پیغمبر کسی کے لیے ارشاد فرمائیں گے, سادہ سی بات ہے, پیغمبر نے غدیر خم میں مثلا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, لوگ پس منظر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جناب والا کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض تھے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. آپ فرمائیے اس روایت کو اگر قبول کر لیا جائے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جو شکایت کرنے والے تھے ان کی شکایت دور کی جاتی, نہ کہ اعلان کیا جاتا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں, یا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یعنی اپنی نسبت سے اپنی حیثیت کو سامنے لا کر علی سے ناراضگی کو دور کرائی جا رہی ہے. یہ عادلانہ رویہ یا احسان کے معیار پر رویہ نہیں ہو سکتا. اس واقعے کا اس پس منظر سے کوئی ربط نہیں ہے. یہ ایک مستقل امر الہی تھا جو پہنچایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے اگر توحید کو قبول کیا ہے, تم نے اگر نبوت کو قبول کیا ہے, تم نے اگر مجھے قبول کیا ہے, اپنی زندگی میں کوئی جگہ دی ہے تو جس کا میں حاکم ہوں, جس کا میں والی ہوں, جس کا میں سرپرست ہوں, میرے بعد یہ علی اس کا حاکم ہے, یہ علی اس کا والی ہے, یہ علی اس کا سرپرست ہے. یہ نظام عدل اسلامی کو ابدیت بخشنے کا اصول تھا. صلوات پر محمد. بار بار جو ہمیشہ اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے, اسی لیے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ اصول وہ اصول, آپ دیکھیں کہ کس انداز سے یہ حکم آیا. اس حکم کی تبلیغ کے بعد پروردگار نے کیا سند بھیجی. حکم پہنچانے سے پہلے کہا یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچائیے, اے رسول پہنچائیے. رسول کا کتنا احترام ہے چشم الہی, یہ قرآن گواہ ہے. اب یہ باتیں ہیں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوں گی. صرف تذکر اپنے دور تک کے سامعین کے لیے ایک بات عرض کرنا ہے, غور کر لیں سادہ سی بات. پیغمبر کا اتنا احترام ملحوظ خاطر ہے, ملحوظ خاطر مشیت ہے, ملحوظ خاطر قدرت ہے کہ کہیں پورے قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا موسیٰ کہا, یا آدم کہا, یا نوح کہا, یا موسیٰ کہا, یا عیسیٰ کہا, یا محمد نہیں کہا. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ, القاب سے, اوصاف سے, محبت اور مودت اور عشق اور احترام کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ پکارا. یہ موقع وہ ہے کہ جہاں کہا یا ایھا الرسول, اے پیغمبر, اے پیغمبر, عہدے سے منصب سے پکارا جا رہا ہے. یہاں حضرات موجود ہیں, نظام کو سمجھتے ہیں, بھئی کوئی کمشنر ہے, کوئی کلیکٹر ہے, کوئی جج ہے, اور لیکن آپس میں ایک دوستی ہوتی ہے, ایک جان پہچان ہوتی ہے. کبھی پکارتے ہیں تو کہتے ہیں جناب جعفری صاحب, اور جناب نقوی صاحب, اور جناب صدیقی صاحب, اور جناب فاروقی صاحب, ایک دوسرے کو اس طرح پکارتے ہیں, نام بھی نہیں لیتے ہیں, ہمیشہ آخر فیملی نیم سے پکارتے ہیں تاکہ احترام باقی رہے. پہلا نام نہیں لیتے. کسی کا نام فرض کیجئے کہ احمد صدیقی ہے تو احمد صاحب نہیں کہیں گے, صدیقی صاحب کہیں گے. صدیقی صاحب کہنے میں زیادہ احترام ہے, احمد صاحب کہنے میں احترام نہیں ہے. بے تکلفی بڑھ جائے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن وہ بھی
वो भी आम मजमे में नहीं कहेंगे, तो फैमिली नेम से पुकारेंगे या अलकाब व आदाब से पुकारेंगे। लेकिन अगर ऐसे माहौल में कोई किसी को पुकारे जनाब कलेक्टर साहब, इसके मानी है कि तेवर बदले हुए हैं। और मामला उनके ओहदे और मनसब से मुताल्लिक है। ये कैफियत है, या अय्युहर रसूल, ऐ पैगंबर बल्लिग़ पहुंचाइए, मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल हुआ है। उसके बाद रसूल ने क्या पहुंचाया, उसके बाद ये जुमला, वा इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आपने ये नहीं किया तो उसकी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। तौहीद से लेकर आखिरत तक, उसूल से लेकर फुरू तक, इलाहियात से लेकर इक्तिसादियात तक, इबादात से लेकर मुआमलात तक, क्या कुछ रसूल ने पहुंचाया? और इस एक बात के लिए कहा जा रहा है कि अगर नहीं पहुंचाया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने उसकी रिसालत नहीं पहुंचाई। बहुत आम सी बात है, आपके लिए कंधे मुकर्रर है, हो सकता है किसी के लिए ये बिल्कुल ताजा मतलब हो। और उसके बाद जब आपने पहुंचाया, क्या पैगाम पहुंचाया, मन कुंत मौला फहादा अलीयन मौला, जब आपने ये पैगाम पहुंचाया तो क्या कहा परवरदिगार ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज हमने तुम्हारी खातिर से तुम्हारा यह दीन पूरा कर दिया, तुम्हारे ऊपर नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे इस इस्लाम से राजी हो गए। इसीलिए मैंने अशरे की पहली मजलिस में अर्ज किया था, इश्क अली मोहब्बत अली, ये नीडल ऑफ द बैलेंस, ये तराजू की सुई है। हम नाम अली देख के पहचान लेते हैं अहले तौहीद है या अहले तौहीद नहीं है। कर देख लेते हैं ये नबी का वफादार है या नबी का वफादार नहीं है, ये नबूवत का कदर शनास है या नबूवत का कदर शनास नहीं है, ये अदालत शियार है या अदालत शियार नहीं है। कुरान मजीद की रोशनी में देखिए कि रसूल से इंसानों को कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, रसूल से इंसानों को उतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि जितनी अपने माँ बाप से होती है या उससे भी ज़्यादा। यह मेयार खुद कुरान ने और रसूल ने मुकर्रर किया है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे दोस्त रखो। यह मेयार किसने रखा है? रसूल ने। और कुरान मजीद ने मेयार क्या बनाया है? अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए तेज़ी से गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेयार कुरान ने क्या रखा है? कुरानी मेयार ये है कि या रसूल, ये जब तक आपको उस दर्जे पर कबूल ना करें कि आपके हर फैसले को कबूल करें, चाहे इनके नफ्स के मुताबिक हो या इनके ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ हो, अगर ये उस दर्जे पे आ जाएं कि अपने खिलाफ होने वाला फैसला भी खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लें, तब ये ईमान के मेयार पर पूरे हैं। यानी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह को उस दर्जे पर कबूल करें कि फिर मुहम्मदुन रसूलुल्लाह जो फरमा दें वो कबूल कर लें, चाहे वो उनकी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक हो या उनके ख्वाहिश नफ्स के मुखालिफ हो। उस दर्जे पर अगर कबूल किया है तो कबूल किया है, वरना कबूल नहीं किया। तवज्जो है इसमें, जौहर क्या है? ये कैसे पता चलेगा कि रसूल को उस दर्जे पर कबूल किया या नहीं किया? ये पता कैसे चलेगा कि किसने रसूल को उस दर्जे पर कबूल किया है कि अपने ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ भी हो तो कबूल करेंगे? इस्लाम और कुफर की जब लड़ाइयां हुई, भाई इधर है, एक भाई उधर है, बेटा इधर है, बाप उधर है, भतीजा इधर है, चचा उधर है, एक कुफर की फौज में है, एक इस्लाम की फौज में,
अब अगर भाई बेटा भतीजा ये कहकर अलग हो जाए, या रसूलल्लाह मैं इनके मुकाबले पे नहीं जाऊंगा, ये मेरे बाप हैं, ये मेरा चचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसका मतलब रसूल को कबूल नहीं किया, इसका मतलब खुदा को कबूल नहीं किया, इसका मतलब ईमान को कबूल नहीं किया। तारीख में बेशुमार मिसालें, मैं कुल्लियात अर्ज कर रहा हूँ, मतन तारीख आप पढ़िए, इशारात में करके आगे बढ़ना। और अगर कोई कत्ल हो गया और मक्तूल का बेटा मुसलमान हो गया, तो मुसलमान होने के बाद मेयार क्या होना चाहिए? अगर बाप के खून का बदला लेने का जज्बा बाकी रहा, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह को कबूल नहीं किया। और अगर कबूल कर लिया कि हमारे बाप या दादा या चचा या भाई या भतीजा कोई भी, या रसूल अल्लाह वो काफिर थे, बुतपरस्त थे, मुशरिक थे, आपके हुक्म से कत्ल किए गए, आपके मुकाबले में आए थे, कत्ल किए गए, अब हमारे दिल में ना कोई गम है ना उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत है तो बस आपकी मोहब्बत, इश्क है तो सिर्फ खुदा का इश्क, अगर ये जज्बा है तो ईमान कामिल है, और अगर ये जज्बा नहीं है तो ना खुदा को कबूल किया न रसूल को कबूल किया। तवज्जो है, ये कैसे पता चलेगा कि खुदा और रसूल को इस दर्जे पे कबूल किया? जबानी कहने से पता नहीं चलेगा। इसलिए खुदा और रसूल ने अली की मोहब्बत वाजिब की। तलवार से बदर में कुफर को कत्ल नुकसान पहुंचा, उहद में, खंदक में, खैबर में, जितनी जंगे हैं कुफर इस्लाम की, अली की शमशीर, अली की जुल्फकार काम आती रही। अब अगर किसी ने खुदा और रसूल को दिल में जगा दी है तो उसे अली और शमशीर अली से बुग्ज नहीं रखना चाहिए। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। इस कदर हदीसें पैगंबर ने फरमाई, या अली तुम्हें दोस्त नहीं रखेगा मगर वो जो मोमिन है, या अली तुम्हें दुश्मन नहीं रखेगा मगर वो जो मुनाफिक है। ऐलान की क्या जरूरत थी? और अली ही की मोहब्बत ईमान और निफाक का मेयार कैसे बनी, क्यों बनी? सबब है, मंतिक है, हुज्जत है, बुरहान है, दलील है, बहुत रोशन दलील है। ये सिर्फ इसलिए रसूल ने नहीं कहा कि रसूल ने अपनी बेटी अली को दे दी थी, अली दामाद थे, अली भाई थे, नहीं, अली मेयार ईमान और निफाक है। अली और नस्ल अली, बस बस गुफ्तगु ख़त्म कर रहा हूँ। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मगर आवाज़ में अब ताकत नहीं है, अब साथ नहीं दे सकेगी देर तक आवाज़। बद्र में कौन कौन कत्ल हुआ शमशीर अली से? अगर मुसलमानों के पाए तख्त से ये आवाज़ उठे, लैत अशयाखी बे बद्रिन शहीद, काश मेरे वो बुजुर्ग जो बद्र में कत्ल हुए वो आज होते और देखते कि हमने मोहम्मद की औलाद से कैसे बदला लिया। ये सुनने के बाद भी कोई इस इन अल्फाज के कहने वाले के ईमान का ऐलान कर सकता है? कोई तबरेआ कर सकता है? कोई बरी जिम्मा करार दे सकता है? काश हमारे वो बुजुर्ग होते जो बद्र में कत्ल किए गए और वो देखते कि हमने मोहम्मद की औलाद से कैसा बदला लिया है। करबला समझ में आई क्या है? और अहले इस्लाम को करबला याद रखना क्यों जरूरी है? जैसे मोहब्बत अली ईमान का पैमाना है, ऐसे ही हुसैन का गम ईमान का पैमाना है। एक ही मेयार, जिस दिल में हुसैन के लिए सोजिश नहीं है,
वो दिल दिल मोमिन नहीं हो सकता। हदीस रसूल है, इन लिल हुसैन हरारतन फी कुलूब المؤمنین لا تبرد ابدا। हुसैन के लिए मोमिनों के दिलों में वो हरारत है, वो गर्मी है, वो सोजिश है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते हैं कि जो मोमिनीन हैं, इधर नाम हुसैन आया इधर आवाजें बुलंद हो जाती हैं। अभी मैंने कुछ कहा नहीं, मगर आज 9 मुहर्रम में कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अब जो साल भर जिंदा रहेगा उसे ये शरफ मिलेगा, ये सआदत नसीब होगी कि हुसैन के फर्श अज़ा पर आएगा, हुसैन के लिए नौहा करेगा, हुसैन के लिए गिरिया करेगा, हुसैन के लिए मातम करेगा। परवरदिगार आप हजरात की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, किसी गम में न रुलाए सिवाए गम हुसैन के। गम हुसैन में रोना इसलिए ज़रूरी है कि जिनको रोना चाहिए था उन्हें रोने भी नहीं दिया। अगरचे मसाइब पढ़ने की सकत मुझे बाकी नहीं रहती है, मगर फिर भी आज तबीयत पे जबर करके कुछ जुमले अर्ज करूँगा, बस ताकि हम रसूलुल्लाह को पुरसा दे सकें, हम फातिमे जहरा को पुरसा दे सकें। हुसैन का पुरसा किसे देना है? रसूलुल्लाह को देना है। हुसैन इब्ने रसूल हैं, फरजंद रसूल हैं। रिवायात में है हुसैन ने किसी का दूध नहीं पिया, सिर्फ रसूल के लुआब दहन से परवरिश पाकर बदले। रोज़ाना रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते थे, हुसैन को अपनी ज़बान चुसाते थे, वही हुसैन की ग़िज़ा थी। हुसैन की शीरखारगी का ज़माना इस तरह गुजरा है। सही सनद रिवायात में, हमारे यहाँ सही सनद रिवायात में, हमारे मासूमीन के मेयार पे परखी हुई रिवायात में कि रसूलुल्लाह अपनी ज़बान चुसा कर हुसैन को पालते रहे रोज़ाना पाबंदी के साथ। यह हुसैन है, यह हुसैन है, इनके लिए गिरिया और इनके लिए पुरसा किसकी खातिर? रसूलुल्लाह की खातिर। या रसूल अल्लाह, खुदा आपको जजाए खैर आता है। अहसनल्लाहु लकल अज़ा। या रसूल अल्लाह, हमें पुरसा बीबी जहरा को देना, फातिमा जहरा जिसने चक्कियाँ पीस पीस के हुसैन को पाला था। बस मैं जुमले अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ज़बान तक आ नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस कदर बर्दाश्त कर सकेंगे। रोज़े आशूर, सुबह आशूर से अजान फजर से एक मारेका शुरू हुआ, इधर नमाज पढ़ी गई और उधर लश्कर का अंदाज कुछ और था। मैं अब अर्ज़ नहीं करना चाहता। अजान दी अली अकबर ने अजान, ये हुसैन की तरफ से एक हुज्जत तमाम करने का तरीका था, हुज्जत तमाम कर रहे थे ताकि अगर कोई ऐसा मौजूद है जिसने कभी रसूल की आवाज़ सुनी है तो आज फिर रसूल की आवाज़ सुन ले, आवाज़ रसूल सुन ले। अली अकबर जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में शबीह पैगंबर थे, उन्होंने अजान दी, जान रसूल, जानशीन रसूल। हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन ने नमाज़ पढ़ाई, अस्हाब बासफ़ा ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मारेका शुरू हुआ, इसलिए कि उधर से सनसनाता हुआ एक तीर आया और एक आवाज़ आई, एक आवाज़ आई, ये उमर इब्ने सअद नहस की आवाज़ थी। उसने कहा कि गवाह।